ये तस्वीरें भारत तिब्बत सहयोग मंच जिला गाजियाबाद की मासिक बैठक के वर्चुअल आयोजन की हैं, जिसमें प्रांत उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम और महामंत्री कपिल त्यागी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता गाजियाबाद जिलाध्यक्ष शरीफ देव त्यागी ने की। इस दौरान भारत तिब्बत सहयोग मंच गाजियाबाद से जुड़े सभी नव निर्वाचित सदस्यों का परिचय करवाया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी और भारत तिब्बत मंच के साथ आगे बढ़ने की बात कही। इस दौरान प्रांत महामंत्री कपिल त्यागी और प्रांत उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम ने मीटिंग को संबोधित करते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच के कुछ निश्चित कार्यक्रमों का जिक्र किया और अपनी बात को सदस्यों के साथ साझा किया। साथ ही बताया कि कैसे किस मकसद के साथ मंच आगे बढ़ रहा है और साथ ही बताया कि कैसे किस मकसद के साथ ये मंच आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रमुखता से कैलाश मानसरोवर को चीन से आजाद कराना, चीनी उत्पादकों का बहिष्कार भी शामिल था। जय भारत जय तिब्बत। मैं कपिल त्यागी, प्रांत महामंत्री, भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत। भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना 5 मई 1999 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंचालक केसी सुदर्शन जी ने एक बार कहा था कि तिब्बत हमारा मित्र नहीं, हमारा भाई है, और यदि कोई भाई संकट में हो तो हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं। तो शायद इसी ध्येय वाक्य से प्रेरित होकर इंद्रेश जी ने इस संगठन की स्थापना की। अपने संगठन का मुख्य उद्देश्य तिब्बत को चीन के जैसे आतिथेय देश के कब्जे से मुक्त कराना, साथ ही कैलाश मानसरोवर को भी, जो हमारी धार्मिक आस्था का विषय है, हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, उसे भी चीन के कब्जे से मुक्त कराना है। मेरा आज के गाजियाबाद की जैसे कार्यकर्ताओं ने ये बैठक रखी है, उसमें सभी से यह निवेदन है कि वह अपने संगठन के उद्देश्य को अपने गांव-गांव, अपने हर देश के नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। आज की बैठक में जो उन्होंने दो मुख्य योजनाएं बनाई हैं, उनके लिए उनका साधुवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई को परम पूजनीय दलाई लामा जी का जन्मदिवस है, भारत तिब्बत सहयोग मंच उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है, तो गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने इस वर्ष इसमें एक विशेष शुरुआत की है। उन्होंने इस वर्ष अपने गाजियाबाद ज़िले में सैकड़ों पौधे लगाने की योजना बनाई है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो चीन द्वारा फैलाया गया कोरोना वायरस है, उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का एक अभियान शुरू किया है, और उनकी हर संभव मदद करने के लिए, जैसे कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें भ्रमित करा जा रहा है, जिन्हें बरगलाया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन जो है उससे उनको कुछ नुकसान होने वाले हैं, तो ऐसे जागरूकता अभियान ये लोग चलाने वाले हैं। तो इसी के लिए गाजियाबाद के अध्यक्ष श्रीदेव जी और विशाल शाही जी, दोनों मिलकर बहुत अच्छा संगठन को चला रहे हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। इस मीटिंग के दौरान गाजियाबाद से भारत तिब्बत सहयोग मंच के अध्यक्ष शरीफ देव त्यागी ने जिले के लिए तैयार किए गए रोड मैप को भी सबके सामने रखा, जिसमें पौधारोपण, वैक्सीनेशन आदि प्रमुख रहे। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीदेव त्यागी, अध्यक्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच गाजियाबाद। आज हम लोगों की एक मासिक बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रांत उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी और महामंत्री कपिल त्यागी जी शामिल हुए। इसके अलावा हमारे जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं और पहले से मौजूद सदस्य हैं, उन लोगों ने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने एक मेन उद्देश्य रखा कि सबका हम वैक्सीनेशन कराएं, स्पेशली उन लोगों का जो कि गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जितने भी हमारे सदस्य हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाके पूरी मेहनत से सबके स्लॉट बुक कराएंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार का भ्रम है तो उस भ्रम को भी दूर करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता और सदस्य पूरी निर्भरता के साथ काम करेंगे। इस दौरान हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित हमारे सदस्य हैं उनकी एक सूची भी प्रसारित करी है, जिसमें श्री बादल चौधरी को उपाध्यक्ष कार्यकारिणी, श्री शिवम गहलोत को उपाध्यक्ष कार्यकारिणी, श्री पुष्पेंद्र कौशिक जी को उपाध्यक्ष कार्यकारिणी, श्री राजेश यादव को मंत्री कार्यकारिणी, श्री हेमंत जोशी को
उपाध्यक्ष युवा, और श्रीमती नेहा वाखुंडी को सोशल मीडिया प्रमुख महिला विंग घोषित किया गया है। और हमारी अभी 6 जुलाई को माननीय दलाई लामा जी का जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम एक ड्राइव चलाने वाले हैं जिसमें कि हम पौधारोपण करेंगे और ये लगातार ड्राइव चलती रहेगी। सब लोगों ने प्रण लिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराएंगे और साथ में वृक्षारोपण भी करेंगे ताकि हम पर्यावरण को भी बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। इस पूरी मीटिंग का संचालन गाजियाबाद जिला महामंत्री विशाल सहाय ने किया और ये मैसेज भी दिया कि तिब्बत सहयोग मंच गाजियाबाद के लोग आगे आकर कार्य करेंगे और लोगों के लिए समर्पित रहेंगे। इसी मकसद के साथ मीटिंग का समापन किया गया।